ऑटोकैड रिवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। 70,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमारे साथ सीखने के लिए। 7 दिन का चैलेंज है, डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। ऑटोकैड के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने, आप यहाँ पे देख सकते हो, रिवॉल्व कमांड और स्वीप कमांड के बारे में डिस्कस किया था, डिटेल में डिस्कस किया था, तो वो सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने देखा था कि अगर रेलिंग या फिर अगर हमें यहाँ पे पीओपी का काम करना है, मैंने प्लास्टरिंग बोल लिया था, लेकिन अगर आपको पीओपी का काम करना है तो आप यहाँ पे स्वीप कमांड की मदद से उसके डिज़ाइन वगैरह कर सकते हो। ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक प्लास्टरिंग बोल लिया था। दोस्तों, यहाँ पे आज का ये जो लेक्चर होने वाला है वो यहाँ पे प्रेस पुल पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपने पीसी में ऑटोकैड का ये जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर दिया होगा और यहाँ पे ये जो वर्क स्पेस है वो चेंज कर दी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ये जो प्रेस पुल कमांड है, ठीक है, ये जो प्रेस पुल कमांड है वो ठीक एग्जैक्ट ये जो एक्सट्रूड कमांड है उसके तरह ही काम करता है। ठीक है, एक्सट्रूड कमांड का काम क्या था कि अगर हम यहाँ पे कोई भी 2D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, 2D शेप हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो उसका काम ये था कि वो 2D शेप या फिर 2D ऑब्जेक्ट को 3D शेप या फिर 3D ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेस पुल कमांड भी ठीक एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे काम करता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रेस पुल कमांड अलग है और यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड अलग है, तो सिंपल सी चीज़ है कि दोनों में डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, दोनों के कुछ यहाँ पे लिमिटेशन है। एक्सट्रूड कमांड में मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि यहाँ पे कोई भी शेप अगर हम क्रिएट करते हैं तो वो यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड से ही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक्सट्रूड क्या, मैंने तो यहाँ पे एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व, स्वीप, चार कमांड में आपको यहाँ पे यही बताया है कि आप यहाँ पे कोई भी अगर शेप यहाँ पे क्रिएट करते हो तो वो लाइन कमांड से नहीं, लेकिन यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड से ही यहाँ पे क्रिएट करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारी लिमिटेशन है वो यहाँ पे प्रेस पुल कमांड से वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन कमांड सिंपल यहाँ पे ऑन करता हूँ और यहाँ पे एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, तो अभी यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है और यहाँ पे इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये सारे का सारा जो भी यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो अभी रेक्टेंगल बॉक्स है वो कुछ वर्टिकल डिस्टेंस पे है, मतलब ये प्लेन पे ड्रॉ नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब ये प्लेन पे ड्रॉ नहीं है। तो अभी मुझे यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, ठीक है, ये जो 2D शेप में है उसको मुझे 3D में कन्वर्ट करना है, तो प्रेसफुल कमांड यहाँ पे काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने प्रेसफुल कमांड को ऑन किया और यहाँ पे मैं पिक बॉक्स को इस रीजन में लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ पे ये जो रीजन है वो यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेसफुल कमांड वर्क नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सट्रूड कमांड ज़रूर से वर्क करेगा, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे ये जो पूरा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये जो 2D शेप में है, अगर आपको उसको 3D में कन्वर्ट करना है और वो वर्टिकल कुछ डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे आप एक्सट्रूड कमांड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसका काम ही है 2D टू 3D में कन्वर्ट करना, चाहे वो ऑब्जेक्ट प्लेन में हो या फिर प्लेन के ऊपर, मतलब कुछ वर्टिकल डिस्टेंस पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है तो वो यहाँ पे 2D टू 3D में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन वो यहाँ पे प्रेसफुल कमांड की मदद से नहीं, एक्सट्रूड कमांड की मदद से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसफुल कमांड की यही एक कंडीशन है कि यहाँ पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हो 2D में, तो वो प्लेन पे ही ड्रॉ होना चाहिए, तभी आप उसमें 2D टू 3D में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे फिर से उसको डिलीट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे अभी एक दूसरी भी कंडीशन है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई भी, अब चलिए अभी हम लाइन कमांड को यहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी लाइन कमांड की मदद से हम यहाँ पे कोई भी शेप यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, थीके? तो यहाँ पे हमने कोई भी शेप यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे ऑर्थो मोड को हम थोड़ा ऑफ कर देते हैं, ठीक है, थीके? तो क्या होगा कि हम कोई भी इंक्लाइन लाइन भी अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, थीके? तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो पूरा शेप यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो अभी हम यहाँ पे प्रेसफुल कमांड की मदद से उसको 3D में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे ये जो लाइन कमांड है, तो लाइन कमांड की मदद से ये शेप हमने ड्रॉ कर दिया है। अभी प्रेसफुल कमांड की मदद से इसको 2D टू 3D में कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने प्रेसफुल कमांड को यहाँ पे प्रेस किया, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे ऑन किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो पिक बॉक्स है, मैं जैसे ही इसको यहाँ पे रीजन में लेने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जूम इन करके देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रीजन है वो क्लोज रीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके दूसरी कंडीशन मान सकते हो कि यहाँ पे अगर कोई भी रीजन है, ठीक है, जैसे कोई आप रीजन कि मतलब किसी भी शेप को अगर आपको 2D टू 3D में उसको कन्वर्ट करना है, तो वो क्लोज रीजन में होना चाहिए, ठीक है, उसके ये जो गैप है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे इसका ये जो गैप है वो यहाँ पे फुलफिल कर देते हैं, ठीक है, आप वो जूम इन करके भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मेरे हिसाब से ये यहाँ पे हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो शेप, Thank you.
सिलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आपको आप हाइट उसकी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे ये जो हाइट है, तो अगर मुझे उसको इंक्रीज़ करना है, फिर से मुझे इंक्रीज़ करना है, ठीक है, ये जो मैंने हाइट ले ली, फिर आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने बाय मिस्टेक ले ली है, फिर मुझे इसको और इंक्रीज़ करना है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे ये जो प्रेसफुल बटन है, ठीक है, प्रेसफुल कमांड है, तो उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है, तो ये पिक बॉक्स यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे आप इसको मूव करोगे, यहाँ पे इस क्लोज रीजन में लेके आओगे, तो वो हाईलाइट करेगा। सिंपली आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ से आप उसको यहाँ पे इंक्रीज़ भी कर सकते हो और डिक्रीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। प्रेस और पुल यहाँ पे ऐसा ही है, प्रेस मतलब हम उसको दबा भी सकते हैं, उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, और पुल मतलब उसको खींच भी सकते हैं, ठीक है। तो उसका यहाँ पे इस तरह से मीनिंग यहाँ पे निकल के आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ से मैं उसको यहाँ पे डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे इंक्रीज़ करना हो तो मैं उसको इंक्रीज़ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे मैं उसको हर एक फेस से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यहाँ पे वो इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा, मतलब वर्टिकली मूव होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फेस है, तो पर्टिकुलर फेस से भी वो इंक्रीज़ भी होगा डिक्रीज़ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने इस फेस पे मैंने यहाँ पे उसको इस पिक बॉक्स को लेके आया, तो वो हाईलाइट हो रहा था, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो इंक्रीज़ भी हो रहा है और डिक्रीज़ भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इस तरह से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे ये जो साइड है वो भी हाईलाइट हो रही है, तो वहाँ से भी हम उसको इस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी ये जो साइज़ है, ठीक है, उसकी ये जो थिकनेस है, वो हम यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोकैड 2D, ऑटोकैड 3D, YQR प्लगइन जैसे शॉर्टकट के माध्यम से आप ऑटोकैड को डिटेल में सीख सकते हो। इस स्किल का इस्तेमाल करके आप अर्न भी कर सकते हो, प्लान एलिगेशन सेक्शन बनाकर आप अपना करियर बना सकते हो। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, डेफिनेटली आप इसका हिस्सा बनिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। एक पिज्ज़ा के प्राइस से भी ज़्यादा कम हमने प्राइस रखा है। रिवोल्यूशन आना चाहते हैं ऑटोकैड इंडस्ट्री में, और ऑटोकैड सभी को आना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड से हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर से हिस्सा बनिए, सीखते रहिए और आगे बढ़िए। तो यहाँ पे प्रेसफुल कमांड के प्लान बना दिया है। अभी यहाँ पे ये जो प्लान है,
तो वो मुझे अभी 3D में उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसफुल कमांड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैं पिकबॉक्स को यहाँ पे लेके आया तो आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे देख सकते हो कि पूरा का पूरा रीजन यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ पे हम सिंपली उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो 3D में ये जो कन्वर्ट हुआ है तो वो सारे के सारे यहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वो सॉलिड में तो कन्वर्ट हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो यहाँ पे हॉल में क्रिएट हुआ है, ठीक है, हॉल है यहाँ पे। तो इस तरह का आपको कोई भी ड्राइंग अगर आपको करना हो, फ्यूचर में भी आपको करना हो, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे इसका ये जो टॉप व्यू है वो हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पे भी हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया था तो वहाँ पे हॉल है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे कोई भी ड्राइंग वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। हम यहाँ पे सिविल और आर्किटेक्ट वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का आपको यहाँ पे कुछ हॉल वगैरह दिखाना हो तो आप यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हो। फिर अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कॉलम जो है तो यहाँ पे कॉलम वगैरह हम यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर देते हैं, या फिर ये जो सर्कल है तो उसकी हाइट हम यहाँ पे इंक्रीज़ करके कॉलम वगैरह हम शो करते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। प्रेस पुल यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे ईच फेस को यहाँ पे ईच फेस, ठीक है, जो भी फेस है उसको आप यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है कि ये जो सर्कल है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे पिक बॉक्स यहाँ पे लेके जाना है तो वो हाईलाइट हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे उसको इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको मतलब यहाँ पे हम टॉप व्यू में है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे इजीली शो नहीं करेगा, लेकिन आप यहाँ पे कुछ डायमेंशन यहाँ पे टाइप कर सकते हो, जैसे कि 80,000, ठीक है, यहाँ पे mm है तो हम 80,000 कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम ये जो व्यू है वो यहाँ पे व्यू हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, हमें थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा।
व्यू मतलब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सिंपल क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे ये जो प्रेस पुल कमांड है उसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। प्रेस पुल कमांड को यूज़ करना है तो अगर आपको, तो वो आपको कैसे करना है, प्रेस पुल कमांड यहाँ पे सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे वो जो पूरा रीजन है उस पर हमें यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। ये यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वॉल की ये जो हाइट है वो आपको कौन सी रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ समझ रहे हैं कि अगर प्रेसफुल कमांड की मदद से अगर इस 2D प्लांट को 3D में कन्वर्ट करना है तो आप उसको किस तरह से कर सकते हो, ठीक है। फिर फ्यूचर में तो आपके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे डायमेंशन होंगे, ठीक है, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ऐसे फ्री हैंड ड्राइंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे कितनी आसानी से 2D प्लांट को, यहाँ पे जो 2D फ्लोर प्लांट था वो हमारा, तो वो यहाँ पे 3D में यहाँ पे आसानी से कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे एस्केप को यहाँ पे प्रेस कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये जो फ्लोर प्लान है वो कितनी आसानी से 2D to 3D में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने आज ये जो प्रेसफुल कमांड है उसको अच्छे तरह से समझा होगा। हमने डिटेल में डिस्कस किया है उसकी कौन कौन सी कंडीशन है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो भी हमने डिस्कस किया है, उसके अलावा एक्सट्रूड कमांड से वो कितना डिफरेंट है तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे 2D फ्लोर प्लान है, हमने बहुत सारे फ्लोर प्लान यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमारा कोई भी 2D फ्लोर प्लान है, ठीक है, तो उस 2D फ्लोर प्लान को अगर 3D में कन्वर्ट करना है तो वो भी हम एक्स्ट्रा मतलब प्रेसफुल कमांड की मदद से कैसे कर सकते हैं तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आए होंगे और आप उसके रेगुलरली प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं, आपने प्रैक्टिस तो की होगी मेरे साथ, लेकिन आपको 3-4 बार और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर हमने 2D फ्लोर प्लान तो कितने सारे ड्रॉ किए, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा कि वो सारे जो भी 2D फ्लोर प्लान है तो उसको 3D में कन्वर्ट करने की ट्राई करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे ये जो ऑटो के 3D है उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो सारे के सारे जो भी कमांड्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो उस कमांड को आपको यहाँ पे थोड़ा सोचना है कि उसको आप यहाँ पे कैसे और तरीके से भी उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमने ऑटोकैड 2D ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि उस तरह की जो भी प्रैक्टिस है वो आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आगे की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जरूर से करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऑटोकैड रिवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी रिवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हो, लाइफ स्टाइल तक सीख सकते हो। जरूर से दोस्तों सीखिए, एनरोल करिए, हिस्सा बनिए और आगे बढ़िए।